दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के लिए बड़ी खबर है, खुशखबरी। दोस्तों सरकार आपको 5 लाख रुपए का फायदा दे रही है और मात्र आपको 30 रुपए खर्च करने पड़ेंगे और 5 लाख रुपए का फायदा आप ले सकते हैं। दोस्तों सरकार गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं लेके आती है, लेकिन आप लोगों को योजनाओं के बारे में मालूम नहीं होता है कौन सी योजना चल रही है और कौन सी योजना का लाभ आप लोगों को मिलेगा, ये सब आपको मालूम नहीं होता है। लेकिन हम इस चैनल के माध्यम से सभी योजनाओं की जानकारी देते हैं जो आप सभी के लिए बहुत यूजफुल होती हैं। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलेगी। तो चलिए अब आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको 5 लाख रुपए का फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं, कौन से गांव, क्षेत्र, जिला और प्रदेश, अपने ये सब आपको कमेंट में लिख के हमको बताना है ताकि हमें पता चले कि आपके क्षेत्र में कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन सभी की जानकारी आप तक हम पहुंचा सकें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों सरकार ने जो योजना चलाई है वो बहुत ही कमाल की योजना है। दोस्तों देश में आज भी ऐसे करोड़ों लोग हैं जो बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं और उनके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं हैं। गरीबी के कारण बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों के परेशान हैं, लेकिन इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। तो सरकार ने इसी को देखते हुए इस योजना को चलाया है। तो आपको करना क्या है, मात्र 30 रुपए में कार्ड बनवाकर आप 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करा सकते हैं। ये कार्ड कोई मामूली कार्ड नहीं है, इस कार्ड का नाम है गोल्डन कार्ड, जो आयुष्मान भारत स्कीम से जुड़ा है। इस स्कीम में शामिल हर व्यक्ति को ये कार्ड बनवाना अनिवार्य है। कार्ड बनने के बाद ही उसका इलाज हो पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गत 23 दिसंबर को आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च कर दिया था। इस स्कीम में 10 करोड़ परिवारों के लगभग 50 करोड़ लोग शामिल हैं। इन्हें 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज दिए जाएंगे। कहाँ बनेगा गोल्डन कार्ड, 2 जगह पर बनेंगे, अस्पताल में और कॉमन सर्विस सेंटर CSC पर। CSC गांव में आसानी से मिल जाते हैं। CSC के CEO DC त्यागी ने मनी भास्कर को बताया कि कॉमन सर्विस सेंटर पर गोल्डन कार्ड बनाने की तैयारी बहुत जोरों पर है और ये लाखों करोड़ों लोगों के कार्ड बन भी चुके हैं और कार्ड बनवाने के बदले 30 रुपये लिए जाएंगे। कार्ड को नेमिनेट करके दिया जाएगा। स्कीम में शामिल व्यक्ति CSC में आकर आयुष्मान भारत की सूची में अपना नाम चेक कर सकता है। नाम होने पर उसका कार्ड बन जाएगा, त्यागी ने बताया। अगर एक परिवार में 5 व्यक्ति हैं तो सभी के अलग अलग कार्ड बनेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही कार्ड से पूरे परिवार का काम चल जाए। CSC के अलावा कार्ड अस्पतालों में भी बनेंगे। अस्पताल में कार्ड मुफ्त में बनेगा। अमूमन लोग बीमार होने पर ही अस्पताल जाते हैं, इसलिए बीमार होने से पहले कार्ड बनवाना है तो CSC जाना पड़ेगा। वैसे भी गांव से अस्पताल जाने में 50-100 रुपये खर्च हो ही जाते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अधीन हजारीबाग जिला अस्पताल में देश का पहला गोल्डन कार्ड बना। रेणु देवी नाम की महिला के नाम पहला गोल्डन कार्ड बनाया गया। आयुष्मान हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के सभी लाभार्थियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेटर भेज रहे हैं। उस लेटर के माध्यम से ही इंश्योरेंस की आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। इस लेटर की सबसे बड़ी खासियत ये है, इसमें QR कोड दिया गया है। QR कोड होने से हेल्थ सेंटर या अस्पताल में आपकी पहचान आसानी से हो जाएगी। सभी लाभार्थियों का QR कोड अलग अलग है। इस QR कोड से अस्पताल में अपनी पहचान सुनिश्चित होने के बाद लाभार्थी परिवार को गोल्डन कार्ड इशू कर दिया जाएगा। ये गोल्डन कार्ड ही उन्हें हमेशा काम आएगा। आयुष्मान स्कीम के तहत कैंसर, दिल की बीमारी, किडनी, लीवर, डायबिटीज समेत 1300 से ज़्यादा बीमारियों का आयुष्मान भारत के तहत कवर होगा। साथ ही ये सरकारी समेत प्राइवेट अस्पताल में भी कराया जा सकेगा। इसमें दवाई, इलाज, हॉस्पिटलाइजेशन और इसके बाद का खर्च भी कवर होगा। इसके अलावा पहले से मौजूद बीमारी भी कवर होगी। तो दोस्तों सरकार के द्वारा चलाई जा रही आयुष्मान भारत योजना से आप 5 लाख रुपए का फ्री इलाज करा सकते हैं। अगर आपने गोल्डन कार्ड नहीं बनवाया है तो आप बनवा लीजिए ताकि आपका इलाज फ्री में हो सके। तो इस वीडियो को लाइक करें, कोई भी आपका सवाल है कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत।